कि भाई मेरे सुशीला के भाई ने गोली मार दी। दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, कल 10 बजे बड़नपुर नहर है उस पर एक 32 साल के लड़के को गोलियों से भून दिया गया। लड़का है धनोदा गांव का, नाम है सुशील। तो उनके जो चाचा जी है वो हमारे साथ में है। तो किस प्रकार वारदात हुई सर? ये उनका ननदे का है, जाटा का लड़का। उसका टेलीफोन आया कि भाई आ जा, तेरे लेन देन का कुछ हिसाब किताब वो कर देंगे, और आ जाओ। बोला ठीक है, मैं चला जाऊँ पड़ोस में गाड़ी लेके ना। बोले मैं यो आया 10 मिनट में। हाँ, तो वो पहुँच गई करीब 9 बजे की बात है, 9 सवा 9 बजे की। तो मंगलपुर और जो रोड बोलते हैं बडनपुर के पास उस रोड को, तो उसमें जाके ना वो आ गए 3 बंदे और पा गए। उनके हत्था पाई हुई होगी, गोली मार दी उसको जाके ने। वो अकेला ही गया था गांव से? हाँ, गांव से तो अकेला ही गया था, घर से तो। लेकिन आगे से आए थे? हाँ, एक आगे आगे से आए होंगे, कुल तो 4 थे। हो सकता है एक रास्ते में कोई बैठ के गया हो, क्योंकि मोटरसाइकिल पे तो जो दिख रहे हैं वो 4 हैं मर्डर करने के बाद। उसके बाद फिर उसका फ़ोन आया है सुशील का घर पे कि भाई मेरे सुशीला के भाई ने गोली मार दी। अच्छा, उसने खुद बताया? उसने खुद बताया, वो रिकॉर्डिंग है, पुलिस के पास भी है और हमारे पास। कुछ दिनों तक की लड़की है वो, उनको पड़ोस में होगी तो यानी वो कह दिया होगा उसको। उसके भाई ने गोली मार हाँ, दी? उसके भाई ने गोली मार दी। बोला तू कहाँ है? उन्होंने बोला मैं मंगलपुर हूँ, इतना तो बोल गया। उसके बाद सुशील सुशील हम करे गए, तो आगे से फिर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इतना ही कह पाया कि कितनी फायरिंग हुई थी? तीन तो लगी हुई है। हाँ, फायरिंग कितनी हुई? तो दो तो वे मिले हैं खोखे। मतलब किस प्रकार भागते का मौत गया है? हाँ, फिर सुनने में तो यह आया कि आस पड़ोस ने जो बताया भाई, उनसे छुड़ा के भाग गया भी है। भागने के बाद शोल्डर में लगी है, शोल्डर में लग के अंदर एंट्री करी, जो यहाँ गोली लगी उसका तो कोई असर कौंधा जो लगी है उसने चीर दिया। भागते भागते फ़ोन कराया उसने। फिर बताया मतलब बडनपुर वाले लोगों ने उठाया या फिर? हाँ, बडनपुर एक लोगों पड़ोस में था, जब नियर बाई बस 2-3 कनाल की जगह पे घर था। जब फायरिंग की आवाज़ सुनी उन्होंने सोचा भाई ये बंदर बुंदर को भगाने के लिए आया है। वो बाहर निकला तो फायरिंग का तो फिर देखा हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो बाकी आए हैं उन्होंने फिर उसको संभाला है। उन्होंने फिर उसी फ़ोन से, जो बेटे के फ़ोन है उससे फ़ोन किया है घर पे। उन्होंने कहा भाई गोली लगी है इसको और हम इसको सिविल हॉस्पिटल में नरवाना लेके जा रहे हैं। ये बडनपुर नहर की वारदात? हाँ, बडनपुर गाँव में एंट्री के एंट्री पॉइंट पे ही है समझो, नहर का वहाँ की कल बात। 10 बजे की वारदात? हाँ, कल लगभग 10 सवा 10 बजे की। सर, उसके बाद प्रशासन से DSP साहब आए हुए हाँ, थे? कल भी मेरी DSP साहब से बात हुई थी। DSP साहब ने आश्वासन दिया था कि करेंगे। आज भी DSP साहब बुलाए थे, बात हुई थी DSP साहब। DSP साहब ने कहा 48 घंटे के अंदर अंदर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हमें सारे जो मोस्टली क्लू मिल गए हैं, और 48 मैक्सिमम 48 घंटे में उनको अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन। परिवार में माँ है, पिताजी पहले गुजर गए थे, छोटे 5-7 साल के थे। एक भाई है, छोटा भाई उससे? हाँ, छोटा भाई। और शादी हो रही? हाँ, एक बेटा एक बेटी है। तो सर काम करता था वो, ट्रांसपोर्ट का? हाँ, ट्रांसपोर्ट का ही काम था। बाहर ही रहता था? हाँ, लगभग बाहर ही। हाँ, बस यानी कि महीने साल भर में 2 महीने, महीना 2 महीने, बाकी तो उसी पे था। ज्यादातर बाहर ही रहता था? हाँ, बाहर ही। अभी परसों परले दिन तो आया ही था शाम को। परिवार यहीं रहता था सर? परिवार भी साथ में रहता था? मैं कभी कभार जाता था वैसे, परिवार तो यही। हाँ, यही मौत मौके पे ही होगी सर? हाँ, 10-40 रास्ते में से उन्होंने जो फ़ोन करने के बाद उन्होंने जब उठाया उन्होंने बोला भाई हालात तो ठीक नहीं है, बाकी हम लेके जा रहे हैं उसको। आज DSP साहब यहाँ पे आए थे? हाँ, DSP साहब ने कहा 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटे में मुलजम पकड़ लेंगे। हमें क्लू मिल गए उनके, कितने लोग बताए जा रहे चारों का। अरे हाँ, CCTV फुटेज भी दे चला है, उसमें एक मोटरसाइकिल पे 4 बैठ के जा रहे हैं मर्डर करके। वहाँ नियर बाई वो है CCTV, तो वो दिख रहे हैं चारों मोटरसाइकिल पे। पोस्टमार्टम चल रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी एक्सरे के लिए जगह हुए हैं। तो वही फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, एक्सरे के लिए लेकर गए हैं। तो मतलब कल सरेआम अगर बात करें बडनपुर गांव की, तो बडनपुर गांव में नहर पे गोलियों से सरेआम भून दिया गया, चारों के नाम आ रहे हैं। और बताया जा रहा है भी एक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले शादी हुई होगी सर? हाँ, 7-8 साल पहले शादी थी। हाँ, बस 7 साल, एक 6 साल का बच्चा है, एक 4 साल की गुड़िया है। 32 साल की एज थी? हाँ, 32-33 साल की एज थी। माँ है और छोटा भाई है? माँ है, छोटे भाई की शादी हो रही है। छोटा भाई यहीं रुका है? हाँ, यहीं है, डिपो है, राशन डिपो। वही ट्रांसपोर्ट का काम कराया करता, लेकिन अचानक यह वारदात हुई है और इस प्रकार से मतलब हत्या कर दी गई, गोलियां तो भूनकर है। ये जो वारदात है ये नरवाना बडनपुर
बटनपुर नहर की है, और जो लड़का है सुशील जो 32 साल का है जिसकी हत्या करी गई गोलियां तो उनका है, वो दनोदा गांव का है।